सपनों की नगरी महानगरी मुंबई में कल रात से भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। अगले 24 घंटे में मुंबई शहर और उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी से बहुत बारिश की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही कहा है जब तक जरूरी ना हो मुंबईकर्स को बाहर निकलने से बचना चाहिए। नागरिक किसी भी अफवाह पर विश्वास करें। वहीं नवी मुंबई नगर निगम ने 9 जुलाई को अपने सीमा क्षेत्र के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। एनएनएमसी शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। इस संदर्भ में आईएमडी मुंबई के निदेशक सुनील कावले ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और मुंबई क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो हमने सुबह 8:30 बजे तक 270 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, इसके बाद बारिश की तीव्रता को देखते हुए हमने शाम को रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अब तक जरूरी ना हो तो मुंबईकर्स को बाहर निकलने से बचना चाहिए। नागरिक किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। किसी भी आवश्यकता के मामले में या सहायता के मामले में आधिकारिक जानकारी के लिए नगर निगम के मुख्य नियंत्रण कक्ष में संपर्क करें। संपर्क नंबर है 1916, जिसमें अनुरोध किया गया है कि जब भी जरूरी हो या कुछ जरूरी काम हो तो इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। मुंबई शहर में सोमवार को 9 घंटे में 101 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो इस अवधि के दौरान उनके उपनगरों में हुई बारिश के करीब 7 गुना से ज्यादा है। जब तक महाराष्ट्र के कुछ बाकी हिस्सों में भारी बारिश हुई, वहीं भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण मुंबई यूनिवर्सिटी ने आज यानी 9 जुलाई को होने वाली सभी परीक्षाएं टाल दी हैं। नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। पुणे, रायगढ़ और नवी मुंबई के भी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। महाराष्ट्र के अलावा उत्तराखंड में भी तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के कारण जोशीमठ के पास एक पहाड़ का टुकड़ा बद्रीनाथ हाईवे पर गिर गया, जिसके कारण हाईवे को बंद करना पड़ा। घटना में कोई हताहत अभी फिलहाल नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने आज 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, गोवा और कर्नाटक शामिल हैं।